गाइज अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज शाम के ना 6:30 बज चुके हैं भाई, राजा रमीज आ गया पुराने अंदाज में, ठीक है। अब कंटिन्यू व्लॉग होंगे, तो गाइज करते हैं आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू। वो भी कौन सी मंडी है भाई? बीज बिहारा मंडी। बिहारा मंडी में आ गए थे, अपनी गाड़ी की लोडिंग हो चुकी है कन्फर्म। फर्स्ट एप्पल ट्रिप हो रहा है भाई कश्मीर से गुजरात का। गुजरात से काफ़ी भाई फ़ोन कर रहे हैं, राजा भाई सूरत कब आओगे? सूरत भाई तो सूरत गुजरात आ रहे हैं। ट्राई करूंगा कि रास्ते में ही ये व्लॉग एडिट हो जाए, ठीक है। अपनी गाड़ी यहाँ लग चुकी है भाई, और ऊपर से ना बारिश देख रहे हो भाई, बारिश की भी बहुत ज़्यादा है भाई। तो अपने फैजान भाई जाएंगे सोपुर। बहुत अफसोस की बात है कि दोनों भाई का अगठे ट्रिप नहीं लगा, नहीं तो हम अगठे जाते। हाँ, और भाई और साहिल दोनों जाएंगे उधर, और यहाँ देख रहे हो व्हील कप वगैरह डालेंगे। ये बोल रहा था गाड़ी आपकी आगे से डाउन हो गई है, कमानी भी करवाएंगे। और यहाँ देख रहे हो ये रही मंडी। और भाई आज ना बारिश बहुत ज़्यादा है, रिस्क लेके जा रहे हैं क्योंकि आप ना त्रिपाल से पानी आने का खतरा भी है। वैसे तो त्रिपाल हमारा मतलब ठीक ही है, आज दिन तक इसमें कुछ पानी वगैरह गया ही नहीं। तो भाई चलो देखते हैं क्या सीन रहता है, पहले दिखाते हैं आपको लोडिंग। लोडिंग चल रही है कंटिन्यू, 650 डब्बे आपको पता ही है, ये देखो भाई। और बारिश ना इतनी पड़ रही है, कोई कहने की बात नहीं। हमारा डाला भी गीला हो रहा है यहाँ से, क्योंकि ना ऊपर से त्रिपाल ऊपर है, उसकी वजह से ना पूरा डाला गीला हो रहा है। अब सेब में ना आज पहली बार तरपाल डाल रहे नीचे, ये देख सकते। चलो भाई अभी चल रही है अपनी लोडिंग कंटिन्यू, देखते हैं कब तक चलेगी। और मुझे लगता है ना गाड़ी सुबह ही निकलेगी, क्योंकि ना इनके पास माल कम है। तो गाइस कंटिन्यू लोडिंग चल रही है भाई, अभी थोड़ा सा रह गया बक्स, 400 बक्स भाई ने डाल दिया, थोड़ी सी रह गई। और बारिश भाई लिमिट से भी ज़्यादा। अब गाड़ी ना यहाँ पार्क रखेंगे, क्योंकि बक्स और पड़ेगा, उसके बाद सुबह डाल के निकल जाएंगे। तो आपको मिलेंगे इसी कंटिन्यू व्लॉग में, वो भी सुबह। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे आपने देखा था कल रात हो गई थी हमारी गाड़ी अनलोड हो गई थी, रात को ना शाकिर भाई ने नहीं जाने दी। शाकिर भाई ने बोला भाई दिन को चलो, रात को अपने भाई, क्या नाम है, इम्तियाज भाई भी आगे अपने साथ। इम्तियाज भाई ना फर्स्ट टाइम आज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब नहीं कर देना, ठीक है सर। तो गाइस यहाँ से निकले भाई, गेट के बाहर जाएंगे, वहाँ गाड़ी रोकेंगे, थोड़ी सेटिंग वेटिंग करेंगे माल की, फिर यहाँ से निकलेंगे। और बाहर देख रहे हो भाई बारिश ही बारिश है। तो चलो पहले कहीं गाड़ी पार्क वगैरह कर लेते हैं भाई, उसके बाद देखते हैं किस टाइम निकल रहे हैं। तो यहाँ खुल चुका है भाई अपना डाला, क्योंकि हमें सेटिंग वगैरह करनी है। और भाई ये चीज़ देख रहे हो, हालत ना पूरी ख़राब है बीच में। चलो माल वगैरह डालेंगे, थोड़ा सा रह गया। और यहाँ देख रहे हो शेड वगैरह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से ना रोड वगैरह थोड़ी ढलान में थी, तो उधर से भी ढलान में सारा पानी पुली के नीचे, तो इन्होंने शेड वगैरह बना लिया। त्रिपाल वगैरह खुल चुका है भाई, अब करेंगे हम डाले पे त्रिपाल, त्रिपाल वगैरह करके फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि लेट नहीं करेंगे। अगर लेट हो गए ना तो सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। त्रिपाल का हाल भाई ये 5 साल पुराना त्रिपाल है, ठीक है। तो गाइस चलो पहले पैकिंग वगैरह कर लेते हैं भाई, फिर करते हैं गुजरात का ट्रिप यहाँ से स्टार्ट। और भाई देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। वैसे सुनने में है कि गुजरात में ना बहुत ज़्यादा पानी है। 1 बजने वाले भाई, और अभी ये मंडी से अपने टायर बाहर आए थे भाई, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और बारिश ना बहुत ज्यादा है, अभी हमारे भाई से बात हुई थी, भाई ने बोला यार राजा भाई कठुआ में तो बिल्कुल धूप ही धूप है। रब का इतना शुक्र अदा करेंगे कि आगे धूप होनी चाहिए, क्योंकि भाई एक वीडियो ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ना एक भाई दरिया में जाके गाड़ी घुसा रहा है, और दरिया गाड़ी उठा के लेके जा रहा है, वो भी गाड़ी अपनी जेके नंबर है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है। देखो बेवकूफी मत करो यार, ऐसे मत करो, ये देखा करो कि माँ बाप घर में वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ से निकलते हैं भाई, कहीं नहीं रुकेंगे, नॉन स्टॉप चलेंगे, अब देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। और मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं गुजरात जा रहा हूँ भाई, काफी भाई गुजरात से करते रहते हैं, राजा भाई गुजरात कब आओगे, आओगे भाई? लो आ गया आपका राजा भाई, आप आपको लोकेशन भी शेयर कर देंगे और मिलेंगे गुजरात वालों से। चल चल चल, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये देखो इसमें जिप्सी गिरने वाली है। चलो भाई चलो, सबको ना जल्दी रहती है, मतलब कोई भी नहीं सोचता कि बड़ी गाड़ी है, इसमें ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी, इसमें लोड है, ऐसा कोई नहीं सोचता, सबको जल्दी रहती है, सब भागने के चक्कर में रहते हैं। पहुंच चुके हैं मेन हाईवे पे, मतलब हाईवे से दूर नहीं कहते, मेन हाईवे पे। सिर्फ गाड़ी का एक ही काम बचा है भाई, वो जाएंगे हम सीधा जम्मू में। जम्मू में जाके ना अपने बादशाह का ना एयर फिल्टर चेंज करवाएंगे, क्योंकि गाड़ी का ना एयर फिल्टर खराब है। बाकी भाई सीट की प्रॉब्लम है, सीट की प्रॉब्लम ही हम थोड़ा ना कर लेंगे, जहाँ सीट वगैरह देख रहे हैं अभी, मैं सोच रहा हूँ सीट वो डालू ना जो सबसे यूनिक हो। तो चलो गुजरात का सफर एंजॉय करो भाई, और अभी तक टीम ने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस कर देना, और जो जो भाई गुजरात से देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बोलना गुजरात से कहाँ कहाँ से देख रहे हो भाई, क्योंकि मैं आ रहा हूँ सूरत में, तो सूरत में जो जो भाई आएंगे जरूर मिलेंगे। और लोकेशन ना प्रॉपर शेयर होने वाली है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, ठीक है, जाके वहाँ पे फॉलो कर देना। 6:30 बज चुके हैं भाई, आप सोच रहे होंगे भाई 2-2:30 बजे ये निकल गए थे मंडी से। देखो भाई हम ना मतलब गाड़ी का काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अपनी ट्रांसपोर्ट का काम ना बिल्कुल फेल हो,
आजकल मैक्सिमम मुझे भाई मिल रहे काफी, तो बोलते हैं राजा भाई आजकल का काम ना ज्यादा यूट्यूब रू की वजह से फेल हुआ हमारी गाड़ियों का। फिर भी मैंने भाई को पूछा क्या रीजन है, भाई ने बोला देखो आधे यूट्यूबर ऐसे बोल रहे हैं अगर यहाँ से जा रहे हैं कहीं से डबल माल डाल रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमारी डबल रिपोर्ट होगी, ये भरना वो भरना है, उसके हिसाब से ना हमें ट्रांसपोर्टर बोलते हैं कि आप यहाँ से इतना भाड़ा लेके जाते हो आगे से माल भी डालते हो आपकी डबल रिपोर्ट हो जाती है। फिर ट्रांसपोर्ट वाले ना भाड़ा कम कर देते हैं, मतलब वीडियो तो हर बंदा देखता है ना। अगर ये मेरी बात सही है तो भाई कमेंट सेक्शन में बोलना सही बोला, ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को टारगेट करो, कुछ भाई ऐसे ना जो यहाँ से लोड करते रास्ते से कुछ और लोड करते फिर बोलते हमने ये कर दिया वो कर दिया, फिर ट्रांसपोर्ट का काम ना जीरो जा रहा है। मान लो आप समझ भी गए होंगे चलो हमने सिंगल रिपोर्ट की या डबल की कुछ भी की हम बिजी थे थोड़े, मैं और पठान बताएंगे नहीं कहाँ बिजी थे, तो गाड़ी फाइनली अभी फुल हो चुकी है भाई, तो अब ना यहाँ से निकलेंगे सीधा गुजरात ट्रिप के लिए। हम पहुँच चुके हैं भाई मीर बाजार और यहाँ चेक कर रहे हो भाई, ये FCI है भाई और FCI पे ना पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देख रहे हो ये देख रहे हो। एक चीज मैं बोलूंगा अपने ट्रक वाले भाइयों को, देखो यार अगर आपको ट्रांसपोर्टर बोल रहा है ना कि वहाँ FCI में चले जाओ वहाँ गोदाम में कोई गाड़ी नहीं है अनलोड हो जाएगी फिर यहाँ आके गाड़ी फंस जाती है, इन लोगों को ना इन चीज से कोई लेना देना नहीं है, इनको ना सिर्फ अपने भाड़े से लेना देना है, उनको अपना मतलब कमीशन मिल गई, गाड़ी वाला जाए जहाँ मर्जी जो मर्जी हो जाए। तो काजीकुंड कर लिया पार भाई, हम काजीकुंड अंदर सिटी से आए, रोज सिटी से क्यों आए भाई पठान साहब, देख रहे हो क्या लिया आपने, असाइनमेंट राजा भाई लिखेंगे राजा भाई, ये देखो भाई गाड़ी भी चलेगी और पढ़ाई भी करेगा, देखो दोनों चीज है इंशाल्लाह। तो भाई अभी ना ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो ये असाइनमेंट वगैरह के लिए इसने ले लिए नोटबुक, भाई को मैंने बोला यार ले लो साथ में जब टाइम मिलता है लिखते रहेंगे, और हम सिटी से ही आए क्योंकि हाईवे से आते हैं ना तो असाइनमेंट वगैरह नहीं मिलती। तो चलो भाई अब शाम हो चुकी है, सारी लाइटें हमने जला ली क्योंकि शाम के टाइम ना बड़े हमेशा हमारे बोलते हैं कि गाड़ी में ना रोशनी होनी चाहिए, ऐसा ही है पठान साहब। आज शाम के ना 7:30 बजने वाले भाई और हम फाइनली पहुंच चुके हैं टूल पे, मतलब भाई टनल वगैरह पार नहीं किया, अपनी गाड़ी यहाँ पे कर ली पार क्योंकि भाई ऐसा सीन है गाड़ी के ना फास्टैग का कुछ सीन बना हुआ है, सीन ये है कि गाड़ी के नंबर पे फास्टैग है लेकिन एक डिजिट आगे पीछे है, तो आज दिन तक तो हम चलवाते रहे लेकिन भाई गुजरात जा रहे हैं ना वक्त का कोई भरोसा नहीं होता क्योंकि टूल वाले ना नखरे करते हैं और बोलते हैं 500 रुपया 1000 रुपया नहीं तो चलान। मैंने सोचा क्यों पंगा करना भाई, अभी भाई को भेज दिया कि आप जाओ और भाई को ले आओ। तो गाड़ी अपनी यहाँ लग चुकी है, अपने इम्तियाज़ भाई अपने साथ हैं, इम्तियाज़ भाई के पास भी गाड़ी है भाई, और यहाँ देख रहे हो 12 टेरी गाड़ी अपनी दानू गाड़ियाँ ना यहाँ पे पार कर ली, देख रहे हो वहाँ पे। इम्तियाज़ भाई कहाँ जा रहे हो आप? मैं पठानकोट जा रहा हूँ भाई, जा रहे हैं पठानकोट भाई। देखो शाम को ना गाड़ी को लाइट चलानी चाहिए, वैसे भी भाई नई लाइटें नई शो आ जाएगी, कोई बात नहीं थोड़ा वेट करो। और ये रही भाई की गाड़ी, रात के ना हमें 9 बज चुके हैं भाई क्योंकि मैं अभी चला गया था भाई के पास और गाइस कैब इसलिए लगाई क्योंकि आज ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द है भाई, तो यहीं रुके हुए पठान भाई कर रहे हैं सफाई, खाना भी अपना रेडी हो चुका है भाई, और मैं भाई के पास चला गया भाई फास्टैग की इतनी सरदर्दी थी ना वो पूरी की भाई, तो अब यहाँ से निकलते हैं भाई देख रहे हो। और आज ये मज़ा है भाई, कोई कन्वाई कोई कुछ नहीं है, गाड़ियाँ खुलम खुला जा रही है, घर के पास रुक के खाना गाड़ी में बना रहे क्योंकि ना 15 दिन घर में बैठे थे इसलिए आज घर नहीं गए, हाँ बुला भी रहे थे घर वाले बुला रहे थे पठान भाई के आ जाओ इधर ही, लेकिन भाई गाड़ी में बना के कुछ खाने का ना अलग सही मज़ा है। ये हो चुकी है भाई टनल के अंदर और ये चीज़ चेक कर रहे हो भाई, ना कोई आगे गाड़ी और ना पीछे, ना आगे पीछे ना पीछे ना कोई बंदा, और सिर्फ पठान साहब अकेले वो भी खाना बनाते हुए, ये है ना कुछ समवन स्पेशल। तो गाइस आज आपके भाई ने टोपी लगाई क्योंकि भाई यहाँ ना दर्द है यहाँ पे, अभी बैठे चल रहे अपने इम्तियाज भाई चले गए आगे, उन्होंने बोला राजा भाई आप आ जाओ मैं आगे वेट करूंगा, तो वो तो वैसे ही पठानकोट तक जाएंगे, तो गाड़ी में ना सिर्फ 10 टन माल है भाई, बिना टेंशन के जाएंगे जहाज बना हुआ जाएगा भाई। बनिहाल पारी किया था अभी एक जगह आके रुके क्योंकि छोटू भाई मेरे साथ ही था, आपको पता भाई छोटू भाई मेरे से चला गया था क्योंकि उसको ना अलग से गाड़ी चलानी, आपको पता जब बंदे का लाइसेंस पर आ जाता है तो बंदा सोचता है यार मैं अलग से गाड़ी चलाऊं, चलो अच्छी बात है भाई, देखो अच्छी से अगर गाड़ी अलग से चलाएगा ना अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे, बस यही दुआ करेंगे। बाकी काफी भाई बोलते रहते हैं राजा भाई आपके साथ जो चला गया भाई, देखो यार और जिसको नहीं हो रहा तो वो चला जाता है, कोई टेंशन नहीं है, वो अपना भाई है। ये कालीन थी उनके घर भाई, और ये कालीन ना क्या बोलूं भाई, इस कालीन को मैं छोड़ नहीं सकता भाई, ये कालीन बहुत प्यारी है यार, कि भाई की ना BP बिल्कुल लो है, ये देख रहे हो अभी मेडिसिन वगैरह ले ली भाई ने बोला ये पी लो भाई, ये और ये वाला भाई ने बोला इसका टेस्ट ना अजीब सा, बाकी टेबलेट वगैरह ले ली, तो रखते हैं कंटिन्यू सफर भाई। रामबन पार करके एक जगह आके रोके क्योंकि भाई ना अभी हमने करना है डिनर, आपको पता भी अगर बंदा लेट हो जाता है ना फिर डिनर करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई, तो चलो देखते हैं पहले चक्की वगैरह चेक कर लेते हैं भाई, चक्की वगैरह दिखा देते हैं, हमने ना नए डाले थे भाई ब्रेक शू नए डाले थे, और यहाँ देख रहे हो धुआं बहुत ज़्यादा है भाई, इस साइड भी देखते हैं, और ये चीज़ देख रहे हो भाई
यार चावल वावल कुछ भी डाल दियो ना, अगर ऐसे मत डाला फिर। चलो भाई खाना वगैरह खाते हैं भाई, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अपना खाना वगैरह गर्म करते हैं भाई, क्योंकि सब्जी वगैरह ठंडी हो गई है। खाना वगैरह खा के ना फिर उसके बाद करेंगे रेस्ट भाई, क्योंकि पठान भाई ने गाड़ी चलानी है या इन्होंने रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे ना यहाँ बीपी लो है शायद, इसकी वजह से ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो खाना वगैरह खाएंगे फिर भाई सो जाएंगे आराम से, भाई चलाएगा तब तक गाड़ी, तो रुकेंगे कहीं नहीं। आपको पता भी एप्पल लोड है, फ्रेश एप्पल खराब हो जाता है। तन सब हो गई गर्म, सब्जी हो गई गर्म हो। तो गाइस मिलेंगे सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि वीडियो ना लंबी हो रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मेंट शेयर सब्सक्राइब कर। तो मिलेंगे सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।